हेलो फ्रेंड्स, कोटा कुकिंग व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ बेसन के नमकीन पारे। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और आपको जब भी भूख लगे तो आप इन्हें निकाल कर खा सकते हैं और एक महीने तक डिब्बे में भर के स्टोर कर सकते हैं और आप इन्हें ऑफिस में भी ले जा सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 300 ग्राम बेसन बारीक वाला। मैंने इसमें डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक और एक चम्मच मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब एक चम्मच डाल रही हूँ मैं सौंफ। इससे क्या हुआ कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और दो चुटकी डाली है मैंने हल्दी और आधा चम्मच डाला है चिली फ्लेक्स। अब एक चम्मच अजवाइन को मैं क्रश करके डाल रही हूँ। इससे हमारे नमक पारे का टेस्ट दोगुना हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर कोई मोइन नहीं डाला है क्योंकि ये नमक पारे कुरकुरे ही अच्छे लगते हैं। तो इन्हें मैं पानी से अच्छे से गूँथ लूँगी बेसन को। और मैंने इस पानी को हल्का सा गुनगुना करा है जिससे क्या होगा कि जब हम इन्हें बेलेंगे तो ये अच्छे से बेलने में आएंगे और इनकी जो अपन रोटी बेलेंगे या फिर बड़ी सी पूरी बेलेंगे तो वो फटेगी नहीं। तो इस बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें गूंथते जाना है। पानी बहुत ही थोड़ा थोड़ा मिलाना है। यदि ज़्यादा पानी एक ही बार में डालेंगे तो हमारा डो बहुत गीला हो जाएगा। ये देखिए, सख्त डो लगा के मैंने रख दिया था और अब मैंने इसे निकाल लिया है और एक बड़ी सी लोई बना ली है। इस लोई को मैं बेलूँगी और इसको इसकी लोई की रोटी मैं बहुत बड़ी बनाऊँगी तो उसी से हमारे नमक पारे कटेंगे। अब हमें इसे बेलना है। आप चाहे तो इसे पॉलीथीन लगा के भी बेल सकते हैं क्योंकि ये बेलने में थोड़ी सी परेशानी होती है। और यदि इसे आप लकड़ी के पटिए पर बेलेंगे तो ये बहुत अच्छी से बिल जाती है और बड़ी सी हो जाती है। और आपको पतला पतला बेलना है तो शक्कर पारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और आप जो धारीदार बेलनी होती है उसको ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बेलन के बजाय धारी वाली बेलनी ली है, उससे मैंने इस बड़ी सी पूरी को बेल लिया है। अब इसके लंबे लंबे से पीस काटूंगी मैं। देखिए, मैंने थाली में बेल कर रख रखे हैं। तो आप इन्हें आयताकार या चौकोर या लंबे लंबे कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने इन्हें आयताकार शेप में काटा है, थोड़ा सा ट्रायंगल टाइप का शेप दिया है, बिल्कुल आयताकार नहीं काटा मैंने इन्हें। अब इन्हें निकाल कर एक थाली में रख लेंगे। ये आपस में चिपक रहे हैं ये, लेकिन ये कढ़ाई में जाते ही अलग अलग हो जाएंगे। और हमें इन पर मटर की तरह छेद नहीं करना है क्योंकि ये फूलते नहीं हैं। और सारे नमक पारों को बेल कर पहले रख लेंगे क्योंकि जब हम तलेंगे तो इनको एक साथ नहीं बेल सकते क्योंकि ये बहुत जल्दी तलने में आ जाते हैं। तो 300 ग्राम बेसन की मेरे 4-5 लोइयां बनी थी यहाँ, तो मैं सभी 4-5 लोइयों को पहले बेल कर रख दूँगी और काट के इनके ये नमक पारे बनाकर थाली में रख लूँगी। बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। इन्हें आप बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हो या आपको हल्की हल्की छोटी छोटी सी भूख लगे तब निकाल के खा सकते हो। और चाय के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप इन्हें डिब्बे में से निकाल कर मेहमानों को भी रख सकते हैं। और लंबे सफ़र पर कहीं घूमने जाए तो डिब्बे में भर के ले जा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और क्रिस्पी ही बने रहते हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है रिफाइंड ऑयल। और ये ऑयल मैं ओली ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है तो मैं तलने की तैयारी कर रही हूँ। सभी थालियों को मैं किचन में लेकर आ गई हूँ और मैंने डाल दिए ये नमक पारे। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम से भी कम रखना है क्योंकि ये बहुत ही पतले होते हैं तो ये जल्द
जल्दी से तल के तैयार हो जाते हैं, और ज़्यादा आँच तेज़ करेंगे तो क्या होगा कि ये जल जाएंगे। तो इन्हें 2 से 3 मिनट लगते हैं तलने में, और 2 से 3 मिनट के अंदर हमें इन्हें निकालना होता है। देखिए पहली बार वाले शक्कर पारे या नमक पारे हमारे तल चुके हैं, अब मैं दूसरी बार के डाल रही हूँ। इनके तलने में सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमें तलने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यदि हम तेज़ आंच में तल लेंगे तो क्या होगा कि ये काले हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, कड़वा कड़वा टेस्ट आएगा। तो हमें मीडियम से भी कम फ्लेम में इन्हें तलना है। जैसे ही इनको हम तेल में डालेंगे तो हमें फ्लेम लो कर देना है, वरना क्या होगा इनका टेस्ट बिगड़ जाएगा। और ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है, ये दूसरी बार के मैंने तल लिए हैं। अब मैं आपको फिर से बना के दिखाती हूँ। और ये जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं। आपका जब भी खाने का मन करे तो आप इन्हें बना के रख सकते हैं। और यदि हम बाज़ार से नमकीन लाते हैं तो बहुत महंगी भी पड़ती है और वो शुद्ध भी नहीं होती। और ये ऐसा नाश्ता है जो कम तेल में ही बनकर तैयार हो जाता है, तो आप भी इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा।